जैसे नई बैटरी 16,000 रुपए की, हर बंदा नहीं खरीद सकता नई बैटरी, कहने का 100 वाली, तो हम 100 वाली बैटरी को 10,000 में बना देते हैं। कहने का मकसद ये है कि पूरी हम 10,000 की बना के देते हैं। अगर बंदा अपनी बैटरी कोई लेकर आता है तो उसी की बैटरी को बनाने में, जैसे 100 वाली होगी तो 5,000 रुपए लग जाते हैं, 50 वाली होगी तो 2,500 रुपए लग जाते हैं। तो ये है कि 2,500 में उसकी बैटरी को जब हम सही कर देते हैं तो होता ये है कि उसका वक्त गुजर जाता है और कस्टमर की रेंज में आ जाती है। हर बंदे की गुंजाइश नहीं है आपको नई बैटरी लगाने की, सही है, लेकिन हमारी बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह साल डेढ़ साल ले जाती है, साल डेढ़ साल ले जाती है। नया मटेरियल डालते हैं, ये आपके सामने रखा हुआ मटेरियल भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं। तो ये है, ये 100 वाली बैटरी है, ये पूरी 100 वालियों में डलेंगे। अच्छा, जो ग्रुप बिल्कुल नए हमारे, सही है। कहने का मकसद ये कि हम भी नई कैटेगरी में ही बना लेते हैं एक तरीके से। सही। हम कस्टमर से 2 महीने की गारंटी जब देते हैं ना, उस 2 महीने के अंदर अगर कस्टमर लेकर आता है बैटरी, तो हम उससे दूसरी बात नहीं करते, बैटरी रखते हैं, दूसरी बैटरी दे देते हैं, क्योंकि इसकी कंपनी में खुद हूँ। अच्छा, इसलिए मैं खुद बना रहा हूँ तो इसकी कंपनी में खुद हूँ। सही है। तो ये देखें, ये बिल्कुल नया सेल बना हुआ है। अच्छा, तो ये देखें, जो मैंने आपको बताया शुरुआत ये नक्को से होती है इसकी, तो इसकी ग्रिप व्रिप सब मजबूत होती है। सही। कोई हम लोग इसमें 2 नंबर नहीं करते कि 1 सेल डाल दिया, 2 सेल डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल आपको, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ गार्डन में, जो कि एक बैटरी की होलसेल मार्केट है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बहुत सारी बैटरीज की वीडियोस बनाई है, जिसमें आपको नई बैटरियों के रेट्स हम बताते हैं कि भाई नई बैटरी के क्या रेट चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बैटरियाँ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर बंदे की रेंज से बाहर है, हर बंदा तो नहीं भी परचेज कर सकता। तो इसीलिए मैं आज एक ऐसी शॉप पे आया हूँ जहाँ पे भाई आपको ये बैटरी रिपेयरिंग शॉप है मोहित भाई की, तो यहाँ पे आप बैटरियाँ खरीद सकते हैं, पुरानी बैटरी है, और अगर आपकी कोई बैटरी आपके पास है ख़राब हो गई है वो भी ये बहुत ही कम और मुनासिब है, तो मैं रिपेयर भी करते हैं। तो मेरे साथ मोहित भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। मोहित भाई, सबसे पहले आप अपना एड्रेस बता दें, नंबर बता दें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, मेरी दुकान का एड्रेस ये है ये मेन गार्डन पे, जुम्मन शाह का मजार है सिग्नल पे। सही। मजार के बिल्कुल सामने पड़ेगी अलहमदा बैटरी के नाम से, ऊपर लाल बोर्ड है, AGS का लगा हुआ है, बराबर में पॉलर है, अलहमदा बैटरी का नाम है हमारी दुकान का। तो ये मैं आपको फोन नंबर बता देता हूँ, 03-11-4536-104, ये मेरा नंबर है। तो रब्ता करना हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, भले कोई इशू नहीं हो, वॉइस कर दें, अपनी बैटरी की पिक्चर सेंड कर दें, तो इस तरीके से मैं आपसे बता दूंगा कि ये इतने इतने में बन जाएगी। ठीक है, और ये बता दें कितने एम्पेयर से लेके बैटरी जो है, कितने एम्पेयर तक आप जो है वो रिपेयर करते हैं, और वो कितने की पड़ जाती है? देखिए, बात ये है कि ये छोटी मिसाल है कि 35 एम्पेयर की बैटरी से लेके 250 वाली 260 वाली तक बैटरी हम बनाते हैं। सही। तो ये जो पैसे हैं ये मैं आपको छोटी का बता सकता हूँ कि बदले में 2,000 हो गए, 100 वाली बदले में 5,000 हो गए, और लेवल अगर 135 वाली बदले में 7,000 हो गए, 180 वाली बदले में 8-9,000 रुपए हो गए, 200 वाली बदले में 10-12,000 रुपए हो गए, और उसके बाद जो आपको रिकमेंड है कि भाई मेरे को थोड़ी हेवी बना दो, तो उसका डिफरेंट अलग है। ठीक है भाई, मोहित भैया कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपकी जैसे बैटरी का बैकअप आप चाहते हैं कि जैसे पहला डेढ़ दिन से थोड़ा ज्यादा बैकअप है, जिसमें प्लेटें मजीद ऐड हो जाए, तो कस्टमाइज भी हो सकती है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपने इसकी बिल्कुल नहीं कर रही। अगर मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जा करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये यूज बैटरी आप बनाते हैं, तो इनका क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरह बनती है? यार, ये जैसे कि मिसाल है कि लोग पुरानी बैटरी लेकर आते हैं ना, तो मतलब उनकी बैटरियों को रिपेयर करने का ये थोड़ा सा ये है कि कम पैसों में काम हो जाता है। कहने का मकसद ये, ये जो हम रिपेयर कर रहे हैं ये वक्ती तौर के लिए कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हम लोग इसको जो बना रहे हैं ना, ये बंदे का एक पंखा चल जाए, 2 लाइटें जल जाए, बड़ी बैटरी हो तो उसमें 100 वाली में 2 पंखे चल जाते हैं। जैसे नई बैटरी 16,000 रुपए की, हर बंदा नहीं खरीद सकता नई बैटरी, कहने का 100 वाली, तो हम 100 वाली बैटरी को 10,000 में बना देते हैं। कहने का मकसद ये है कि पूरी हम 10,000 की बना के देते हैं। अगर बंदा अपनी बैटरी कोई लेकर आता है तो उसी की बैटरी को बनाने में, जैसे 100 वाली होगी तो 5,000 रुपए लग जाते हैं, 50 वाली होगी तो 2,500 रुपए लग जाते हैं। तो ये है कि 2,500 में उसकी बैटरी को जब हम सही कर देते हैं तो होता ये है कि उसका वक्त गुजर जाता है और कस्टमर की रेंज में आ जाती है, हर बंदे की गुंजाइश नहीं है आपको नई बैटरी लगाने की। सही है। तो इसकी जो आप रिपेयर करते हो, इसकी लाइफ कितनी होती है, वारंटी वगैरह? इसकी गारंटी हम लोग सिर्फ मुतमईन होने के लिए देते हैं। जैसे गाग बैटरी बनवाता है ये, तो हम मजदूरी पे काम करते हैं, जैसे गाग बैटरी बनवा रहा है तो हमें मजदूरी इसमें 2-5 तो बच जाती है, जो हमारा हक भी बनता है।
लेकिन इसकी हम लोग फिर भी गारंटी देते हैं महीना दो महीने की, इस वजह से देते हैं कि कस्टमर मुतमईन रहे। उस वजह से कस्टमर की बैटरी निकाल देती है, पानी वानी का ख्याल रखो साल निकाल देती है, छह आठ महीने भी निकाल दे मेरे हिसाब से तो बहुत है भाई। अच्छा। लेकिन हमारी बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह साल डेढ़ साल ले जाती है, साल डेढ़ साल ले जाती है। नया मटेरियल डालते हैं, ये आपके सामने रखा हुआ मटेरियल भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं। तो ये है 50 वाली बैटरियों का मटेरियल है जो जनरेटर के लिए इस टाइम बन रही है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये 100 वाली बैटरी है, ये पूरी 100 वालियों में डलेंगे ये। अच्छा, जो ग्रुप बिल्कुल नए हमारे चाहिए, कहने का मकसद ये कि हम भी नई कैटेगरी में ही बना लेते हैं एक तरीके से। सही। प्लेटें ये वही हैं जो बैटरियों में से निकलती हैं, उनको भी बनाते हैं हम। अच्छा, दोबारा से नए सिरे से कर देते हैं। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी बैटरी हम कर देते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई जब फिट करेगा हाँ। तो आप ऊपर से देखना कि बिल्कुल फ्रेश बनी भी होगी। मिसाल के तौर पे एक 140 एम्पीयर की बैटरी है, जो बड़ी बैटरी है यूपीएस में सोलर में, जी जी, तो वो भी आप रिपेयर कर देते? जी जी, यूपीएस की ऑल बैटरियां रिपेयर हो जाती हैं सिवाय ट्यूबलर के। अच्छा, ट्यूबलर के लिए अभी डाई बनाई नहीं गई है, वो हमें नॉलेज नहीं है उसकी। अभी जब वो आएगी मार्केट में हाँ। ट्यूबलर के अलहदा 200-250 ये सारी बैटरियां हम बना देते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इस तरीके से बनाओ हाँ। तो पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 210-12 हजार में अच्छी बनती है। अच्छा, अब ये अम्पेयर तो इसके हिसाब से, ये प्लेटों के हिसाब से होते हैं ना? वो बंदा कहता है कि जैसे यार मेरे को थोड़ा पीछे प्लेटें ज्यादा डाल दो। हाँ, तो मैंने वो ही बता रहा हूँ ना मैं आपको, जैसे कि प्लेटें 200 में अभी हम लोग डालते हैं कि 21 प्लेट 23 प्लेट 25 प्लेट 27 प्लेट। हाँ, अब होता ये कि कुछ दुकान, अब मैं ये दुकानदार के नाम तो नहीं ले सकता, ये है कि कुछ गलत कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं कस्टमर के साथ। कहने का मतलब ये कि उनको बता दे कुछ होता कुछ है, कम प्लेटें डाल देते हैं। तो हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देते हैं। ये है कि हम उन्हें पैसे बता देते हैं, दो पैसे बचाने के चक्कर में कस्टमर भी खुद अपने पैरों का कुल्हाड़ी मारता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि यार 2000 आपसे सस्ती तो वो दे रहा है। हाँ, तो आपको नहीं पता सस्ती वो दे रहा है क्या कर रहा है। हाँ, कहने का मकसद ये कि अगर आप उसका मकसद समझो ना हमारा, कि हम क्यों आपको 2000 ज्यादा बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि प्लेटें पूरी रखेंगे ना तो पैसे तो ज्यादा होने। सही है, जहाँ आप हमसे पैसे कम कराओगे वहाँ प्लेटें भी कम हो जाएंगी। प्लेटें कम होगी तो बैकअप कम हो जाएगा, बैकअप कम हो जाएगा। नहीं, बैटरी ऐसी बनेगी कि आपका वक्त निकल जाएगा। सही, ज्यादा प्लेटों में बनेगी ना, जो आप लाए हो उसी चीज में बनवाओगे तो नए में और उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। ये है कि सिर्फ बैंडेज का फर्क आता है हमारे में। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह अच्छी बनती है बैटरी हम बना तो रहे हैं। जैसे जो आप बना के बनाते हैं तो इनमें क्या कंप्लेंट्स वगैरह क्या आती हैं? यार देखिए, इनमें कंप्लेंट्स आती हैं ऐसा नहीं है, हम भी कोई साहूकार नहीं है। बात यह है कि कंप्लेंट्स ये आती है कि कभी कभी हमारे हाथ में भी फॉल्ट आ जाता है, जैसे सेल खराब होना, कोई गुस्सा होना। हम कस्टमर से 2 महीने की गारंटी जब देते हैं ना, उस 2 महीने के अंदर अगर कस्टमर लेकर आता है बैटरी तो हम उससे दूसरी बात नहीं करते, बैटरी रखते हैं, दूसरी बैटरी दे देते हैं, क्योंकि इसकी कंपनी में खुद हूँ। अच्छा, इसलिए मैं खुद बना रहा हूँ तो इसकी कंपनी में खुद हूँ। सही है, तो एक तो ये इनकी जैसे कि मिसाल ये एचईएस है। हाँ, इनके रूल्स है। अच्छा, अब इनके रूल ये है, इनकी 6 महीने की गारंटी है। हाँ, ये ओवर चार्ज ना हो ना ये फटे। हाँ, ओवर चार्ज कस्टमर की गलती से होता है, ज्यादा चार्ज कर देती है कस्टमर तो फिर उससे ओवर चार्ज हो जाती है। कहने का मकसद ये, इसकी अगर गारंटी आपको मैं पढ़ाऊँ तो अगर कस्टमर ये इनका कार्ड पढ़ लेना एक बार, तो बैटरी की आधी से ज्यादा मालूमात उनको हासिल हो जाएगी। सही है, समझ रहे हैं? सिर्फ ओवर चार्ज और फटने से ये नई बैटरियां पुरानी बैटरियां बचाओ आप, बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है, बैटरी का बैकअप भी अच्छा जाता है। सही है, और माशाल्लाह अच्छी चलती है। सही है। अच्छा, रेट बता दे, जैसे अगर 50 एम्पीयर वाली बैटरी कराता है, 100 वाली कराता है, जरा एम्पीयर वाली जरा रेट बता दे कि उसकी आप बना के कितने की देंगे, और अगर आता है और किस तरह, मतलब टाइम कितना लगता है बनने में? बनने के लिए तो देखो 1 दिन लगता है, क्योंकि 12 घंटे की तो चार्जिंग है। अच्छा, नई प्लेटें डलती है, 12 घंटे की चार्जिंग लगती है। ये है कि बनने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जैसे कि ये 10,000 रुपए की बैटरी है कंपनी की। अच्छा, अब हम लोग बना के देते हैं, अभी मैं माइनस नहीं कर रहा, मैं रेट बता रहा हूँ। अच्छा, ये 10,000 रुपए की बैटरी है, हमारी बनी हुई बैटरी अगर आप 9 प्लेट की लोगे तो वो 5,500 रुपए की आपको पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, तो कहने का मकसद ये 4-5 हजार का डिफरेंट आ जाता है। सही है, नहीं मैं और उसमें ये कि किसी बंदे की सैलरी हो 20,000-25,000 तो वो 10,000 की बैटरी खरीदने का तो महीने का राशन तो वो नहीं डाल सकता 15,000। तो वो कोशिश करेगा कि मैं 5,500 वाली ले लूं जो मेरा वक्त गुजार दे। ठीक है, और इसमें भी अगर उसके पास पहले से बैटरी पड़ी हुई है तो वो रिप्लेस हो जाएगी? हाँ, अब ये बात आ गई, पहले से इनके पास जैसे बैटरी पड़ी हुई है, ये है बैटरी की मिलकियत 3,000 रुपए। सही है, अब ये बैटरी ये बनवाना चाह रहे हैं ना, तो ये बैटरी इनकी बनेगी 2,500 रुपए में। अच्छा, तो ये जब 2,500 रुपए में बैटरी बन जाएगी
तो ये है कि वो वैसे ही चलेगी। अच्छा, ये है कि हम उसकी 2 महीने की गारंटी दे देते हैं। हाँ। और कस्टमर को मुतमईन के लिए देते हैं, वरना हमारा मजदूरी का काम है, हमें 2-500 मजदूरी बच जाती है, सही है, उसमें हम निकल जाते हैं। तो उसके अलावा आपका नए का भी काम है या सिर्फ रिपेयर? मेरा टोटल काम है, नए का, पुराने का, जेन्युइन का, बने हुए का, मैं सारे काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बनाने का प्रोसेस क्या है? देखिए इसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये होती है प्लेटें, ये शुरुआत है। अच्छा, अब ये है माइनस की प्लेट, ये है गरम की प्लेट, सही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इसको हम लोग वो करेंगे रिपेयर। अच्छा, तो इसमें तो 2-3 काम ये है कि अभी ये बैटरी का जैसे ये नक्का पड़ा हुआ है, इसको काट के हम नए सिरे से नक्का पड़ाएंगे। अच्छा, फिर ये प्लेट आपस में मिलती है, सही है, और फिर ये इसके सेपरेटर होते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके सेपरेटर है, ये इनके बीच में आ जाते हैं, ये नए सेपरेटर है, सही है, नए ही डालता हूँ, ये नए सेपरेटर है, नया सेल बन जाता है। तो ये सेल ऐसे बनता है कि ये सेल आपके पास रखा हुआ है, ये सेल बन गया, सही, ठीक है, ये सेल बन चुका है। अब ये पूरा सेल टोटल अभी बन रहा है, मैं आपको तैयार सेल दिखा देता हूँ, तैयार सेल ये रखा हुआ, ये देखें, ये बिल्कुल नया सेल बना हुआ है। अच्छा, तो ये देखें जो जो मैंने आपको बताया, शुरुआत ये नक्कों से होती है इसकी, सही, तो इसकी ग्रिप व्रिप सब मजबूत होती है, सही, कोई हम लोग इसमें 2 नंबर नहीं करते कि 1 सेल डाल दिया, 2 सेल डाल दिए। हाँ। तो हम ये सेल पूरा नया बनाते हैं, ये 6 सेल होते हैं। अच्छा, बात कर ये होता है कि 1 सेल डालते हैं, कस्टमर को बैटरी भेज देते हैं, 1 सेल ही बैटरी का खराब होता है, लेकिन मैं ये काम नहीं करता, मैं पूरे सेल डाल देता हूँ, क्योंकि मैं कस्टमर से पूरे पैसे लेता हूँ, सही है, तो पूरे पैसे लेता हूँ, तो पूरे सेल नए डालता हूँ। नए डालने से ये होता है कि हर सेल अपने अपने 2-2 वोल्ट अच्छे देता है, सही है, अगर ऊपर नीचे होता है ना तो उसमें थोड़ा सा करंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं नए सेल डाल देता हूँ, ये बात ही खत्म कर देता हूँ कि चीज में कोई फॉल्ट आएगा, सही है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें यहाँ तो ये सेल बन रहे हैं, सही है, और मेरी अभी दूसरी शॉप है उस पर फिटिंग हो रहे हैं ये सेल, तो अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से हो रहा है, सही है, ठीक है। अब ये देखें ये इसके खांचे लग रहे हैं, आ रही आवाज, सही है, हाँ आ रही है, ये इसके खांचे लग रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब ये सेल डाल देगा ना तो इसके टांके किस तरीके से लगेंगे। अच्छा, तो ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, ये कितने प्लेटों वाली है? ये 5 प्लेटों वाली है, ये लोग रक्षों में भी लगाते हैं, जनरेटर में भी लगाते हैं। अच्छा, 12 वोल्ट के 1 पंखा 2 लाइटों पे भी लगती है। अच्छा, अब ये नई कितने की है? अभी ये नई आ रही है 7,000 रुपए की, और अभी आपसे लेंगे अगर ये हमसे लेंगे तो ये 4,200 रुपए की अभी चल रही है, ठीक है, और अगर रिप्लेस में जैसे 2,200-2,000 ये देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर कस्टमर बोलेगा ना ज्यादा, हाँ। अभी मैंने आपको एक सेल दिखाया मोटा वाला, वो 100 वाली बैटरी का, सही, वो कस्टमर जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से डलेगा। अच्छा। अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को 5 प्लेट बना के दो। अच्छा, तो ये वो बन रही है, इस वजह से ये पैकिंग ज्यादा नहीं लग रही, नॉर्मली लगा रहे हैं हम, ये जो सेपरेटर साइडों में लगा रहे हैं ना। हाँ। ये इसलिए लगा रहे हैं कि प्लेट बरकरार रहे। अच्छा, प्लेट झड़ जाती है चार्ज होने के बाद, चलने के बाद, बैटरी जब चलती है ना तो प्लेट झड़ जाती है, तो कहने का मकसद ये, इसलिए हम ये साइड में सेपरेटर लगा रहे हैं, इससे लाइफ बढ़ ली है, हालांकि 200 रुपए हमारे ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, लेकिन लाइफ बढ़ ली है इससे, सही, इस वजह से ये सेपरेटर लगा रहे हैं। देखिए अब ये बैटरी हो गई है फिट, सही है, ठीक है, अब इसके लगेंगे ये यूं टाके। अच्छा, ये लगेंगे गैस बत्ती से, ठीक है, ये मजबूत टाके गैस बत्ती से लगते हैं, सही, बात कर लोग तो वो काबिये से भी लगा देते हैं, सही, लेकिन ये हम लगाते हैं गैस बत्ती से, वो थोड़ा सा 2 घंटे बाद काम होगा। अच्छा, तो कहने का मकसद ये टाके लग गए इसके, सही, फिर इसका ये टॉप कवर लगेगा जैसे इसका लगा हुआ है, ये ऐसे तैयार हो जाएगी, सही, ये ऊपर लग के इसके भी टाके लग जाएंगे, सही है, फिर इसके ये पोल बन जाएंगे इसके ऊपर, ये देखें ये इसके टापे लग गए, ये ऐसे लगेगा, सही, ये ऐसे लग जाएगा, ये उतरता तो नहीं है? नहीं उतरेगा नहीं, फिर इसकी बैंडेज होगी ना, इसकी बैंडेज इस तरीके से होगी, ये इसके ज्वाइंट है, ये इसका ज्वाइंट हो जाएगा, सही है, ठीक है, ये पोल बन जाएंगे ऊपर और बैटरी तैयार, 12 घंटे बाद, 12 घंटे की चार्जिंग पे बैटरी तैयार हो जाएगी, सही है, 12 घंटे फिर इसकी हम गारंटी देते हैं 1 महीने की कस्टमर को, सही, और है, ये बैटरी उनको 4,500 की बिना बैटरी के पड़ती है, बैटरी देते हैं तो 2,500-2,000 वो बैटरी देखी जाती है कि कितने प्लेट की है क्या है, सही है, तो 2,500-2,000 देने पड़ जाते हैं कस्टमर, सही है, तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि 9 प्लेट बना दो, 7 प्लेट बना दो, 5 प्लेट बना दो, तो उसके हिसाब से अभी ये जो मैं आपको 2,500-2,000 बता रहा हूँ ये 6 प्लेट 7 प्लेट 5 प्लेट के रेट, सही है, ठीक है, जैसे 9 प्लेट के जो रेट होता है, 9 प्लेट की बैटरी लाएगा, 9 प्लेट बनवाएगा तो वो आपको 3,500-3,500 की 9 प्लेट की बनी हुई तैयार मिल जाएगी, तो पर प्लेट का मतलब हिसाब होता है क्या? पर प्लेट का हिसाब होता है, देखिए प्लेट के हिसाब ये होता है कि वेट लिफ्टिंग का हिसाब आ जाता है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि प्लेट एक है 140 रुपए की एक है, सही है, अब हम जब 5 प्लेटें लगाते हैं ना इसके ऊपर,
तो एक सेल में 5 लगती है। सही है, तो एक सेल में 5 लगती है, सेल है 6। इसमें सेपरेटर है, इसमें सिक्का है 800 रुपए किलो वाला। नया नई चीज बता रहा हूँ आपको, ताकि जब हम नया डाल देते हैं ना, तो ये होता है कि हम मुतमईन होते हैं कस्टमर को, जब बैटरी हम दे रहे होते हैं। सही तो है। हम कस्टमर को कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि भाई आप बेफिक्र हो जाओ, आप चलाओ, नहीं समझ में आया वापस दे दो। अच्छा, वापस भी ले लेते हैं? वापस हम इसलिए ले लेते हैं, जैसे मिसाल है हमने दी उनको भाई के 1 महीने की गारंटी है। हाँ। अब वो लेके गए, वो बोल रहे कि भाई हमारी 2 घंटे चल रही है, आपने तो 3 घंटे बोला था। अच्छा। हम बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रही, आप दूसरी चेंज कर ले। दूसरी में भी यही मसला आता है, तो हम कस्टमर की नफ्सियात को ये पकड़ने के लिए करते हैं कि आप चार्जर और बैटरी लेकर आ जाओ, हम दोनों चीजें यहाँ सेट करके आपको दे देंगे। फिर भी कस्टमर नहीं मानता ना, दिल नहीं मान रहा कस्टमर का, तो हम दूसरी बात नहीं करते। हम बोलते हैं सर फिर आप बताएं क्या करें, इससे हेवी लगा लें या पैसे वापस कर लें। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर को बोलेंगे खरीद ली तो आपकी है। अच्छा, तो हम ये बात करते ही नहीं है। तो सही, हमें पता है कि गरीब बंदा किस तरीके से बैटरी खरीद रहा है। सही, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसका काम आसान हो जाए और उसका वक्त गुजर जाए। सही, अभी इतनी गर्मी है और बच्चों के लिए बैटरियां लगानी पड़ रही है। ऐसा ही है, तो इस वजह से ये बैटरी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि एक पंखा 2 लाइटें जल जाए। ठीक है।